राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव के आखिरी दिनों में पार्टी की रणनीति को धार देने के लिए उत्तराखंड के दौरे पर हैं। केजरीवाल ने जनता से कई चुनावी वादे किए हैं। उत्तराखंड का चुनाव मोर्चा संभालने वाले केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है। हरिद्वार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस और 11 साल भाजपा ने राज किया। इतने सालों में भ्रष्टाचार को छोड़कर उत्तराखंड के लोगों ने कुछ नहीं देखा। उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड को बने 21 साल हो गए, लगभग 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 11 साल बीजेपी ने राज किया। आज उत्तराखंड की जो दुर्दशा है, जाहिर तौर पे उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। अब आने वाले चुनाव में 5 साल और इनको अगर दे देंगे इनमें से किसी भी पार्टी को, तो और कुछ बदलने वाला नहीं है। ये ढर्रा ऐसे ही चलेगा। अगले चुनाव में भी यही मुद्दे होंगे, यही नारे होंगे, यही बातें होंगी, बदलेगा कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले में 7 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, नई पार्टी है, पहली बार दिल्ली के लोगों ने मौका दिया और आम आदमी पार्टी ने अभूतपूर्व विकास किया है दिल्ली के अंदर। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए, ढेरों मोहल्ला क्लिनिक बनाए। पहले पावर कट बहुत लगते थे, बिजली अब 24 घंटे आती है, बिजली मुफ्त कर दी, बहुत सारे काम किए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सबसे निवेदन है, आप फ़ोन करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों से दिल्ली में फ़ोन करके पूछो कि भाई आप लोग केजरीवाल ने कुछ काम किया। अगर कोई कहे कि केजरीवाल ने काम नहीं किया तो उत्तराखंड में भी मेरे को वोट मत देना, और अगर कोई कहे कि काम किया तभी वोट देना। और मैं समझता हूँ इतने दावे के साथ और इतने विश्वास के साथ किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है जो इतना बड़ा स्टेटमेंट कर दे कि हमारे दूसरे राज्य में फ़ोन करके पूछ लो। क्या आज कांग्रेस ये बात कह सकती है कि पंजाब में और राजस्थान में फ़ोन करके पूछ लो कि काम किया क्या? हम कह रहे हैं कि दिल्ली में फ़ोन करके पूछ लो। तो ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक ईमानदार सरकार बन सकती है, भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। मैं कम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ खत्म हो सकता है। मेन एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड चुनाव में और आने वाले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का मेन एजेंडा 10-पॉइंट एजेंडा है। सबसे पहला, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती। उनको करना भी नहीं आता और उनकी नीयत भी खराब है। आम आदमी पार्टी वालों की नीयत साफ है, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 7 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है। पहले लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, सरकारी दफ्तरों में जाते थे काम कराने के लिए, अब ऐसा नहीं है। अब घर बैठे सारे काम होते हैं, लोगों के काम घर में किए जाते हैं। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार था वो खत्म किया हमने, जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। आज सबसे बड़ा नासूर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार है, चाहे वो बीजेपी की कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस को बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सब नेताओं ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। बिजली दूसरा मुद्दा है, हमने दिल्ली में बिजली ठीक की, 24 घंटे बिजली की। पहले खूब पावर कट लगते थे, उत्तराखंड में भी हम बिजली ठीक करेंगे। यहाँ भी बहुत पावर कट लगते हैं, हालांकि उत्तराखंड बिजली बनाने वाला प्रदेश है, दिल्ली में बिजली बनती नहीं है, बाहर से खरीदते हैं। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली है, उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली करेंगे और मुफ्त बिजली करेंगे जैसे दिल्ली में हमने की। तीसरा है रोजगार। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में हमने 10 लाख बच्चों के लिए रोजगार मुहैया कराए हैं। हमें करना भी आता है और हमारी नीयत भी है। आज सबसे बड़ा समस्या उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की है। एक है सरकारी नौकरियां जिसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, पैसे के बिना, रिश्वत के बिना सरकारी नौकरी मिलती नहीं है। या तो आप मंत्री या एमएलए के दोस्त या रिश्तेदार होने चाहिए या पैसे होने चाहिए रिश्वत देने के लिए।
मेरा प्रश्न इन दोनों पार्टियों से है, इन दोनों पार्टियों ने रल मिल के अभी तक सरकारें चलाई हैं। ये पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है, वो पार्टी कहती है इनके पास उनका स्टिंग है। अरे तुम दोनों के पास एक दूसरे के स्टिंग है तो दोनों एक्शन क्यों नहीं लेते, जेल क्यों नहीं भेजते फिर दूसरे को? वो कहते हैं जब इनकी सरकार आती है तो वो कहते हैं भाई इन्होंने स्कैम करे, वो कहते हैं इन्होंने स्कैम करे। तो जब तुम्हारी सरकार है, बीजेपी की 5 साल से सरकार है, बीजेपी वालों ने एक भी कांग्रेसी के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं लिया। क्यों? उनको पता अगली बार जब कांग्रेस वाले आएंगे तो वो हमें बचाएंगे, हम इनको बचाएंगे। आज उत्तराखंड में 55,000-60,000 करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा कैसे चढ़ा? ये 60,000 करोड़ रुपया गया कहां? ये दोनों पार्टियां इसका जवाब दें, 60,000 करोड़ कहां गया? क्या उत्तराखंड के अंदर पिछले 21 साल में एक भी स्कूल बना? नहीं बना। क्या पिछले 21 साल में एक भी नया कॉलेज बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी बनी, एक भी नया अस्पताल बना, एक भी नई डिस्पेंसरी बनी, कोई सड़क बनी? नहीं बनी। तो ये 60,000 करोड़ ये कहां ले गए? ये उत्तराखंड के लोगों के पास आज एक विकल्प है, एक ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए। आज एक ही जरूरत है उत्तराखंड को, एक ईमानदार विकल्प की, और आम आदमी पार्टी वो ईमानदार विकल्प देगी। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।